Hey everyone, hi. Assalamu alaikum, wa alaikum assalam. Hi everyone, hello, hi. Look who's here. Yeah, I am here. रोज़ेदार रोज़ा खोलो, रोज़ा खुल गया है, एक घंटा पहले खुल गया है। अफ्ताही के बर्तन धो लिए सर, हम बर्तन नहीं धोते, खुशकिस्मत है हम। आप टिकटॉक क्यों नहीं बनाती है रीका? अब रमज़ान चल रहा है, हेल्दी हो गया माशाल्लाह। रोज़ा खोल के नमाज पढ़ लिए, सब हो गया यार। 8 बजे आई हूँ मैं, 7 बजे रोज़ा खुला था। Yeah. Do you like BTS? Yes, I do like BTS. Look who's stunning as always. Thank you. आपके टीथ अभी तक सही नहीं हुए? अरे यार मत देखो, माशाल्लाह। अम्मी बर्तन धो रहे पता नहीं उधर उस तरफ, अभी इफ्तार नहीं हुई ना, अभी तो टाइम है ना। से माय नेम उमर, हाय उमर, यू लुक क्यूट, थैंक यू। हमारा तो 6:40 पे खुलता है फ्रॉम लाहौर। या अभी कल मेरे पास कल ही आई हूँ मैं लाहौर से, वहाँ 6:40 पे जल्दी खोल लेते हो आप लोग। यू बी जी स्वामी, आई डोंट नो, लेटेस्ट शूट किस लिए थे? कल वाले धुल रहे। हाँ तो टाइम पे काम नहीं होगा तो ये तो होगा, क्या करें, हम होते तो हम धो देते, क्या कर सकते हैं। हाय, काफी सारे लोग आ गए। नाइस, आपकी मैं बड़ा फैन हूँ। ओके सर, आप वीडियोस क्यों नहीं बना रही यार? ईद पे बनाएंगे, ईद पे बनाएंगे वीडियोस। यार इतना मोटा सूट क्यों पहना है आपने गर्मी में? यार मुझे एक बात बताओ, ये है हाफ स्लीव, ठीक है, अगर ये मैं सर्दियों में पहनूँ तो सर्दी लगेगी, अगर मैं गर्मी में पहनूँ तो फिर मुझे गर्मी लगेगी। मैं क्या करूँ, मर जाऊँ। मैंने उसको धोना है बर्तन, नहीं ऐसा जुल्म ना करें आप, गलत बात है। The only reason I will visit Pakistan, Pakistan is way more beautiful, you should pay a visit, yeah? रेन सीजन में पहनू, कराची में बारिश किधर है? कराची में बारिश शायद नहीं होती। ओके, प्लीज से माय नेम महानूर, हाय महानूर। ओए गाइस, सो इट्स बीन 5 मिनट्स नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट जो कि आज हमें रिसीव हुआ है। So today I received a box which is from, I don't know, Ramzan Mubarak, is pe likha hai. It's from Realme as usual. So I'd love to show you guys ki iske andar kya hai aur abhi hum isko sab milke unbox karte hain. Let's see. Okay, first of all we have this card. Abhi yaar khul gaya. हाय अल्लाह, रियलमी वाले मुझे बस स्टिकर्स भेजते हैं यार, इनको किसने बता दिया मेरी ऑब्सेशन स्टिकर्स से। लुक हाउ क्यूट दे आर, तो हम इसको हमेशा की तरह हम एक स्टिकर लेंगे और हम क्या करेंगे, हम इसको लगाएंगे अपने हाथ पे। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं।
अगर याद मुझसे निकल जाए. ओके गाइस, सो वी हैव दिस बॉक्स. कैंडी हुंदी सी रियलमी दिला दे. आप ले ले आए, मेरे पास रियलमी ले ले. ओके रुक जाओ. सो वी हैव रियलमी 9 प्रो प्लस जिसकी लॉन्च हुई है 18th को, अभी परसों ही हुई है मेरे ख्याल से, परसों थी 18th जी. तो इसी के लॉन्च के लिए हम गए थे लाहौर. सो यार गाइस, आई हैव रिसीव्ड दिस फोन. या लेट्स चेक इट आउट, लेट्स एम्ब्रेस अ वर्ड, अ न्यू जर्नी. अ न्यू जर्नी, ठीक है. एकदम ये नाखून कट गए यार. ठीक ठीक ठीक, हमें बिल्कुल तमीज़ नहीं है फ़ोन निकालने की, तो बात नहीं. ठीक है भाई, तो काफ़ी चमक रहा है वो भाई. गाइस, सो एज यू गाइस कैन सी अ जर्नी, हाँ एम के जर्नी. तो इसके बारे में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं, तो वो मैं आपको बताती चलती हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इसका लाइट शिफ्ट डिज़ाइन. लाइट शिफ्ट डिज़ाइन का सीन ये है कि एज यू गाइस कैन सी, इसका कलर थोड़ा सा ब्लू ब्लू और प्रिज्म वाला कोई स्टाइल है. बट अगर आप इसको धूप में लेके जाओगे, सूर्य सनलाइट में लेके जाओगे, तो होता है जादू, तो होता है इसका कलर चेंज. ये हो जाता है ब्लू से रेड विद इन 3 to 4 seconds. यार इसका शीशा अच्छा है, इसमें शक्ल भी दिख सकती है इसके अंदर, लाइक सो यही तो है, यही तो है डिज़ाइन. इसी के तो पैसे सारे. है तो अभी हम इसको अगर सनलाइट में हम लेके जाएंगे, तो अभी तो सनलाइट नहीं है, लेकिन अगर हम इसको सनलाइट में लेके जाएंगे तो इसका कलर फेड होके ब्लू से रेड हो जाएगा. एंड आफ्टर दैट अगर इसको आप वापस साए में लेके जाओगे तो इसका कलर वापसी ब्लू हो जाएगा विद इन 3 to 5 minutes. या तो ये था इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट. अब आते हैं हम इसके बाकी फीचर्स पे. इसका जो कैमरा है, लाइक रियर कैमरा, दैट इज 50 megapixel AI ट्रिपल कैमरा. और इसका जो फ्रंट कैमरा है वो है 16 megapixel सेल्फी कैमरा. कैमरे की क्वालिटीज बता दिए, आपकी बहन कैमरे में PhD कर लेगी इस बार. खैर कैमरा हो गया. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द चार्जिंग, आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही चार्जिंग की होती है भाई. फ़ोन में फ़ौरन मुका देते हैं, ऊपर से रात में जिन लोगों को लूडो स्टार खेलना होता है, सहरी तक चैट पार्टनर्स हैं उनके, खैर जिनकी चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है जिनके फ़ोन की. सो यू गाइज कैन गेट दिस वन बिकॉज इट हैज़ 60W डार्ट चार्ज. डार्ट चार्ज का मतलब सुपर फास्ट चार्जिंग. उसके अलावा इसका सीन है, इसकी जो बैटरी का सीन है वो है 4500 mAh बैटरी, विच इज़ ह्यूज है. तो अच्छा हाँ, अब प्राइस पूछोगे आप लोग, मुझे काफ़ी सारे नज़र आ भी रहे हैं प्राइस वाले. तो सिर्फ और सिर्फ 69,999 rupees. अच्छा, और इसके अलावा इसके अंदर दो कलर्स और हैं, नहीं मतलब इसको मिला के दो कलर्स हैं. दिस वन इज़ ब्लू, जो कि आपको मैंने दिखा दिया है. उसके अलावा देयर इज दिस कलर जिसका नाम है अरोरा ग्रीन, तो प्यारा नाम है वैसे. खैर, सो दिस वाज रियलमी 9 प्रो प्लस जो कि अभी अभी इनका रीसेंट फोन लॉन्च हुआ. सो इफ यू गाइस वांट टू गेट दिस वन, जल्दी जल्दी कर लो. खैर प्री ऑर्डर्स के लिए मैंने वैसे पहले बताया था, जिन्होंने प्री ऑर्डर्स करे होंगे उनको काफ़ी फायदा भी होगा. कोई नहीं, अभी भी टाइम है, जल्दी से खरीद लो. ठीक है, काफ़ी हो गया, सुन लिया काफ़ी आप लोगों ने. इसका 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 मुझे रैपर नहीं मिल रहा. हर चीज़ घुमानी है. चलो अब इफ़ यू गाइज हैव एनी लाइक क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रोडक्ट, तो आप लोग मुझसे कर सकते हैं, पूछ लो जल्दी से. दूसरे हाथ पे भी स्टिकर लगाते हैं, क्या कर रहे हैं हम. चलो जब तक क्वेश्चन पूछ लो. गुलाब, नो इश्यूज. हाय अल्लाह, गर्ल्स फॉलो मी टू. क्यों सर, आपको गर्ल्स क्यों फॉलो करें भाई, तुम कार की ट्रीट दो, पहले काम कर ले थोड़ा सा. काम करने से ही तो कार आएगी ना. यस,
do you guys have any questions regarding this phone, related to this phone, तो आप लोग पूछ सकते हो. वैसे इतना अच्छा समझाया मैंने, क्वेश्चंस होने तो नहीं चाहिए. मैं ही सेटिंग करवा दो एक पाक वाले लड़के से, मैं ये सेटिंग कराने बैठी हूँ. तफ रोज़ा रखते हो क्या? अरे यार हाँ भाई, रोज़ा रखते हैं, क्या हो गया? आपने न्यू कार्ड ली है? जी जी हमने न्यू कार्ड ली है. गेमिंग के लिए कैसा है यार? आई डोंट नो अबाउट गेमिंग एंड स्टफ बिकॉज मैं गेमर नहीं हूँ, बट इसके अगर गेमिंग के लिए प्रोसेसर चाहिए होता है तो मे बी प्रोसेसर इसका अच्छा है. सो यार अभी ज्वाइन किया मैंने, क्या ज्वाइन किया? डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड? अस्तग़फ़िरुल्लाह. सेटिंग, हाँ ये एम के सिंगल चल रहे हैं, आप इनसे सेटिंग कर सकते हैं. ये फिलहाल पाकिस्तान में ही है, बोले तो आपकी बात आगे बढ़ाते हैं. से माय नेम मनीहा प्लीज. हाय मनीहा, अल्लाह माफ करे, बहुत खूबसूरत लग रही है, ये कैसी तारीफ है. खैर थैंक यू. हेल नो, क्यों एम के ऐसे नहीं बोलते हैं. आपको चाहिए ना, कोई तो चाहिए, हम ढूंढ के दे रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है. से माय नेम अरहम. हाय अरहम, शादी कब कर रही हो? शादी कब कर रहे हैं उनसे पूछ के बताती हूँ. मेरी सेटिंग बिल्कुल ठीक, आपकी सेटिंग बहुत आउट हुई है. आपकी सेटिंग वापसी लाइन पे लानी पड़ेगी, उसके लिए हमें आपके लिए कोई ढूंढना पड़ेगा. मैं तो इतनी सारी लड़कियां देखी थी, मैंने बताया भी था, लेकिन अप्रूव नहीं हो पाई वो. से माय नेम सेस. हाय मिनाहिल, व्हाई सो क्यूट, थैंक यू. एम के रनी, आई थिंक मेरे लिए चलेंगे आप चेक कर रहे हो यहाँ तो. रुको, अब भी एक काम करो, नंबर एक्सचेंज करो. नहीं नहीं, लाइफ पे नहीं करना, बातचीत आगे बढ़ाओ, ऐसे ही घर बसते हैं. ठीक है एम के, कब मुझे नहीं बुलाया, मेरी तो शादी हो. सॉरी बहन जी, एम के की शादी हो गई है तो. एम के दूसरी कर लो, क्या हो गया, कोई बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है? खैर मैंने नहीं बसाना, हम तो बसवा के रहेंगे आपका घर हम बसाएंगे, फिर आप हमारा घर बसाएंगे, डील करते हैं. मेरी लड़की ढूंढ, अबे भाई मैं लड़की नहीं ढूंढ रही इधर. नहीं, योर रियल नेम, माय रियल नेम इज एरिका, रियल नेम. रामीन कहते हैं, हाय रामीन. वो पकौड़े बना के बर्तन धो के आई है, वो आपके घर रोटी भी बना सकती है इफ यू वांट. ओके, ऐसे ना बोलें उसको आप. रोजा कैसे था? रोजा बस यार पता ही नहीं लगा यार, सिर्फ 10 रोजे रह गए. पता नहीं कितने रह गए, मुझे याद भी नहीं 10 रोजे रह गए कितने रह गए. गुलशन इकबाल में रहती हैं आप? नहीं नहीं, मेरी शादी में आओगे ना फिर 24 अप्रैल को? किसकी शादी है? बिल्कुल आएंगे, तरसी हो. क्या करें, कुछ कर भी नहीं तो नहीं सकते. शादी कब करनी है? कितनी बार बताऊं, जब हमारे वो कहेंगे तब हम शादी कर लेंगे. पहले हमारे वो मिल जाए हमें, ढूंढ रहे हम. आजकल फूड पांडा का जमाना है. अजान हो रही है. Hey guys, it was lovely talking to you. I'm gonna go now.